और राइट लेडी एंड जेंटलमैन, अभी बज रहा 6:30 और धूप भी नहीं आई है। दिस इज माय फर्स्ट मोटो ब्लॉग राइड। असल में मैं कोई काम से जा रहा हूँ, बट मैंने कहा क्यों ना मोटो ब्लॉग किया जाए। अरे धूप आ गई यार, मुझे लगा अभी तक धूप नहीं आई है और सूरज आ गया है। सूरज आया ही है, अपनी मोटो ब्लॉग राइड स्टार्ट हो चुकी है। अपन जा रहे काम से, बट मैंने सोचा क्यों ना आज मोटो ब्लॉग कर लिया जाए। अभी भराएंगे पेट्रोल, उसके बाद चलेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, हमारे सामने खूबसूरत पहाड़ और यहाँ से वादियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। जब आपको घूमने के लिए मिल जाए तो बाइक पकड़ो, या मतलब कुछ भी अगर घूमने के लिए मिल जाए तो आग बंद करो और चले जाओ, क्योंकि अभी ये टाइम है कि घूमने के लिए मुश्किल से मिल रहा है, बट पास बनाओ, ये करो वो करो, तो जो भी छोटी छोटी राइड हैं तब वो कर लो, काफ़ी सही है। जिस व्यू की मैं बात कर रहा था वो यहाँ से शुरू है, चालू है, स्टार्ट है, और ब्यूटीफुल सनराइज विद माउंटेन्स, और ऊपर को धूप आ चुकी है, हल्की सी प्यारी सी धूप। इस गेट को देखकर याद आया, अबे छोटा कैलाश आगमन, मेरे को छोटा कैलाश जाना है। पिछले 2 साल से सोच रहा हूँ जाऊँगा, अभी तक जा नहीं पाया। मुझे छोटा कैलाश जाना है भाई, लेकिन मुझे हल्का सा ठंडक की एहसास भी हो रहा है। जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ वैसे वैसे थोड़ा सा ठंडा हो रहा है। फिलहाल तो अपन है टी शर्ट्स हैं अभी, तो मैं वैसे एक स्वेट शर्ट लेकर आया हूँ ताकि अगर ठंडा बहुत ज़्यादा लगे, क्योंकि मुझे जाना है रामगढ़ को, और वहाँ को ठंडा रहता ही है, और इसीलिए मैं एक शर्ट पर ले आया बैग में। तो वो रहा उस साइड नैनीताल भी मुझे जाना है, क्योंकि वहाँ एक आध दो जगह हैं जहाँ मैं अभी तक गया नहीं हूँ, तो मुझे वहाँ भी जाना है जैसे कि टिफिन टॉप और कैमल्स बैग करके जगह है, वहाँ हैं, वहाँ काफ़ी अच्छी जगह है। मैं नैनीताल काफ़ी टाइम गया हूँ लेकिन यहाँ नहीं हुआ हूँ, तो मुझे नैनीताल जाना है। तो अभी हम पहुंचे भीमताल, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा देर रुके थे हम। ओके, अरे पोपट हो गया भाई, बहुत बड़ा पोपट हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कैमरा ऑन नहीं है। मुझे लगा कि कैमरा ऑन है, मुझे यही सबसे अच्छा नहीं लगता है, पता ही नहीं चलता कैमरा ऑन है कि ऑफ है। तो ये रहा भीमताल, जो मेरा पुराना वाला हेलमेट था उसमें मेरे को दिखता था कि कैमरा ऑन हो रहा कि ऑफ हो रहा, बट इसमें मुझे पता नहीं चल रहा है बिल्कुल भी कि कैमरा ऑन है कि ऑफ हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा भाई, ऐसे कैसे चलेगा नहीं तो। अभी रुके हैं हम यहाँ मल्ला रामगढ़, और भाई साहब ठंडा
माई फर्स्ट मोटो ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस इज वेरी बैड। और अभी हैं हम यहाँ मल्ला रामगढ़, और अभी हमको यहाँ से चलना है। तो अभी जा रहे हैं हम एक मंदिर, वो है ऊपर टॉप पे, और बस हमको वहाँ जाना है, और उसके बाद कुछ काम है, और फिर देखते आगे का सीन क्या होता है। सीन ऐसा है कि अभी थोड़ी देर पहले तक मुझे इतना ठंडा लग रहा था बाइक में, बाइक चलाते हुए, लेकिन अभी इतनी गर्मी हो रही है जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं। और अभी सीन कुछ ऐसे है कि हम जा रहे हैं मंदिर और पहुंच जाएंगे, उसके बाद दिखाएंगे। मंदिर काफ़ी पुराना है, शायद मेरे हिसाब से 100-150 साल पुराना आई थिंक। और यहाँ के सीन्स कुछ ऐसे, यहाँ है जंगल, वहाँ है पहाड़, और ये सारी ज़मीन बिकी हुई है। ये जितनी मोस्टली क्या है, यहाँ की जितनी भी ज़मीनें हैं सब बेच दी हैं बाहर वालों को, और मैक्सिमम जितना भी यहाँ है ये वाली ज़मीनें जो भी दिखाई मैंने सब बिक चुकी है। मतलब इट्स रियली बैड है, अगर अभी सब जमीनें बेच देंगे बाद में करेंगे। चलते हैं, मैं थोड़ा पीछे छूट गया हूँ, पापा आके चल रहे थे, मेरे को थोड़ा दौड़ना पड़ेगा। वो मंदिर पहुंचने वाले सर, घंटियों की आवाज आ गई यहां से। मुझे इतना दौड़ा भागी करने के बाद मैं काफी थक भी गया हूँ। तो अभी सीन क्या है, हम मंदिर के अंदर हैं। यहाँ पे तो ऑडियो की थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, बट मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये मंदिर है ये काफ़ी पुराना है। जहाँ तक मैंने अपने करीबी लोगों से पूछा ये कम से कम 500 साल पुराना है, जो कि मुझे भी खुद पता नहीं था। और बेसिकली इस मंदिर की एक ख़ास बात है, यहाँ सिर्फ दूध दही यानी मिल्क यानी दूध दही से रिलेटेड चीज़ें ही चढ़ती हैं। ये एक इस मंदिर की खासियत है, हमेशा जब भी यहाँ कोई आता है तो वो या तो दूध या दही ये चीज़ें लाता है। और ये मंदिर बहुत ही जाना माना है, और यहाँ काफ़ी लोग आते हैं अपनी मन्नतें पूरी करने। बस ये वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक एंड कॉमेंट एंड शेयर कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब टू और बेल आइकन दबा दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अगले ब्लॉग में मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। फाइनली पहुंच गए मंदिर।